हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सिविल इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कंट्यूर इंटरवल इज। कंट्यूर इंटरवल क्या होता है? कंट्यूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंट्यूर और डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन द टू कंट्यूर लाइन्स इन टोपोग्राफिकल मैप। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कंट्यूर इंटरवल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ मैप के। कंट्यूर इंटरवल जो है डिपेंड करता है स्केल ऑफ मैप पे, पर्पस ऑफ मैप पे, नेचर ऑफ कंट्री पे, टाइम पे, फंड पे। अगर टाइम ज़्यादा है तो हम कंट्यूर इंटरवल जो है कम रखेंगे, लेस रखेंगे। अगर फंड अगर कम है तो हम कंट्यूर इंटरवल जो है लार्ज रखेंगे। इफ़ स्केल इज स्मॉल, अगर स्केल स्मॉल है तो कंट्यूर इंटरवल इज कैप्ट लार्ज रखेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंट्यूर इंटरवल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड। तो फ्लैटनेस ग्राउंड का जो है कंट्यूर इंटरवल जो है स्मॉल होगा। फ्लैट ग्राउंड कंट्यूर इंटरवल इज स्मॉल बट फॉर स्टीप स्लोप द कंट्यूर इंटरवल इज लार्ज होगा। ऑप्शन सी है लार्जर फॉर एक्यूरेट वर्क। एक्यूरेट वर्क के लिए जो है हम कंट्यूर इंटरवल जो है इसमें रखेंगे। ऑप्शन डी है लार्जर इफ़ द टाइम अवेलेबल इज मोर। अगर टाइम ज़्यादा है अवेलेबल तो हम कंट्यूर इंटरवल जो है स्मॉल रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है द इंटरसेक्शन मैथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। इंटरसेक्शन मैथड हम यूज करते हैं जब टू इन एक्सेसिबल पॉइंट हो। तो ऑप्शन ए है फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज, हिली एरियाज। तो हिली एरिया के लिए हम जो है इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट बेस्ट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व बाउंड्री। ऑप्शन है ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन मेथड, वर्ज ऑर्डिनेट मेथड, मिड ऑर्डिनेट मेथड। तो एरिया जो है फाइंड आउट करने के लिए इरेगुलर कर्व्ड बाउंड्री के लिए जो है सबसे एक्यूरेट होता है सिम्पसन मेथड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिम्पसन्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूटी इज लार्जेस्ट। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी एरिया ऑफ लैंड इरीगेटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप बाय वन क्यूमेक ऑफ वाटर। एक क्यूमेक में हम कितना जो है हेक्टेयर में हम वाटर इरीगेट कर सकते हैं, इसे हम ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी जो है कैसे निकालते हैं? ड्यूटी जो है डी इक्वल टू होता है 8.64 V बाय डेल्टा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है ड्यूटी इज लार्जेस्ट। ऑप्शन ए है एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स ऑन द फील्ड। तो ड्यूटी जो है लार्जेस्ट होगा ऑन द फील्ड। अगर एट द हेड पे जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ वाटर जो है लॉस होगा, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ड्यूटी जो है ऑन द फील्ड होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए है व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो। जब मेटासेंट्रिक हाइट जीरो होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे बोल रहा है स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी है व्हेन द मेटासेंट्रिक हाइट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन बी में है मेटासेंट्रिक हाइट जो है अबव होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है व्हेन द मेटासेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए होता है जी एम ग्रेटर देन जीरो, एम इज अबव जी, तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर जी एम जीरो है तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन हो गया फ्लोटिंग बॉडी के लिए। अगर सबमर्ज्ड बॉडी हो तो जी अगर बिलो हो बी के तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर जी अबव भी है, अगर जी अबव भी है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसे हम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर जो है जी अगर नीचे होगा, गरीब लोग अगर नीचे होगा तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर गरीब लोग बड़े लोग से जो है ऊपर आ जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 1 m³/s इज गिवन बाय. तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, चैनल के लिए जो है क्रिटिकल डेप्थ होता है YC इक्वल टू 2Q²/gm² बाय की पावर होल पावर 1/5. तो यहाँ पे जो है m जो है 10θ है, 10θ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए 45 डिग्री. तो 10²θ जो है 1 हो जाएगा, तो m का वैल्यू, m² का वैल्यू 1 आ जाएगा. तो q यहाँ पे डिस्चार्ज जो है 1 m³/s दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4.9 की होल पावर 1/5 आ रहा है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर रेक्टेंगुलर चैनल की बात किया जाए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो है क्रिटिकल डेप्थ होता है YC=Q²/g होल की पावर 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ चेजी कांस्टेंट इज. चेजी कांस्टेंट सी इक्वल टू होता है अंडर रूट 8g बाय f. एफ जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर है. फ्रिक्शन फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो चेजी कांस्टेंट जो हो जाएगा, डायमेंशन चेजी कांस्टेंट का हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट डायमेंशन ऑफ जी. जी का डायमेंशन अंडर रूट के बराबर हो जाएगा. तो जी का डायमेंशन जो होता है L(t²-2) की होल पावर जो है 1/2 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है एल की पावर 1/2 t²-1 आ रहा है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है ली चैटलियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द. ली चैटलियर डिवाइस से हम फाइंड आउट करते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कॉन्क्रीट इज. तो रिटार्डर का जो है बेसिक पर्पस क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना. ऑप्शन ए दिया है टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कॉन्क्रीट. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम. नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन. फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होना चाहिए 10.5 MPa/m² ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड क्लास ब्रिक का जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होना चाहिए 7 N/mm². थर्ड क्लास ब्रिक का जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 N/mm² से लेस होता है. क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नॉन एज नीडिंग मोल्डिंग पगिंग ड्राइविंग. तो इसे हम नीडिंग कहते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज सैंड सिल्ट क्ले. तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होगा तो जो है सॉइल हो जाएगा, उसे हम कहेंगे सैंड. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैंड. नेक्स्ट है टेम्प्रोरी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ. टेम्प्रोरी हार्डनेस जो है प्रेजेंस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होता है. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम.